इंद्रपुरी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और साथ साथ मंच पर आसीन नरेश जी, विजय जी, महावीर भाई, सुरजीत जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अपने प्यारे छोटे भाई दुर्गेश के लिए आपके बीच में वोट मांगने आया हूं और इस उम्मीद में आया हूं कि थोड़ा बहुत भी प्यार, वैसे तो बहुत करते हैं, हमेशा किया है सबने 2013 से लगातार, पर फिर भी केजरीवाल जी को हम सब प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत मान सम्मान, कुछ प्यार मोहब्बत मैंने भी कमाया है, तो इस सब के एवज में दुर्गेश को प्यार दे दीजिए। 23 तारीख को होने वाले वोट के लिए, चुनाव के लिए अगले 7-8 दिन लग के इंद्रपुरी के एक एक वोटर को इस चीज के लिए तैयार कर लीजिए या उस तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि दुर्गेश पाठक जी से ज्यादा ईमानदार कर्मठ एमएलए उनके लिए कोई नहीं हो सकता, और वो भी तब जबकि केजरीवाल जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं दिल्ली के लिए, 24 घंटे लगे रहते हैं कि कैसे दिल्ली को सुंदर बनाया जाए, कैसे दिल्ली के एक एक आदमी के यहाँ 24 घंटे बिजली दी जाए, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके घर में फ्री बिजली दी जाए, कैसे एक एक घर में ये भरोसा बने कि कोई घर में बीमार हो तो घर से ये आवाज आए कि चिंता मत करो इलाज हो जाएगा, केजरीवाल है ना। वरना 5 साल पहले 7 साल पहले हमने दिल्ली में ये भी हालत देखे हैं, हम ना हम नए हैं ना आप नए हैं, 7 साल पहले दिल्ली में ये भी हालत देखे कि घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो चिंता इस बात की कम होती थी कि हमारा आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, चिंता इस बात की ज्यादा होती थी कि अगर ये बच भी गया तो इसका बिजली, इसका अस्पताल का बिल हम चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। आज 7 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में एक एक आदमी के मन में यह भरोसा जला दिया है कि बीमारी अपनी जगह है, बीमारी का इलाज अपनी जगह है, भगवान की मर्जी अपनी जगह है, लेकिन किसी भी परिवार को अस्पताल के बिल की चिंता नहीं होती है, सबको ईमानदारी से बढ़िया इलाज सरकारी अस्पतालों में मिलता है। 70 आम आदमी के, वो चाहे कोठी में रहता हो या झुग्गी में, 70 लाख रुपए तक के बिल दिल्ली सरकार ने चुकाए हैं, ये रिकॉर्ड में है। तो एक तरफ केजरीवाल जी 24 घंटे इसमें लगे रहते हैं कि यार कैसे एक एक दिल्ली वाले को, जब वो अपनी मेहनत से जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहा है, ईमानदारी से जिंदगी जीने के लिए, खुशहाली से अपने परिवार के साथ जीने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसमें बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ईमानदारी की, सरकार की, पानी की थोड़ी मदद कर दी जाए। केजरीवाल जी की राजनीति यही है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जी एक तो हमें जो भी मान लेना, अपना छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, शिक्षा मंत्री मानो, मुख्यमंत्री मानो, विधायक मानो, नेता मत मान लेना हमको, और अगर हमारे लिए कोई भगवान से कभी प्रार्थना भी करनी हो कि भई ये अच्छे लोग हैं, भगवान इनको ये दे, तो देखो हार जीत और वो सब तो चलता रहता है, प्रार्थना यही करना कि ये लोग नेता ना बने कभी, जैसे थे वैसे ही बने रहे, क्योंकि राजनीति करने नहीं आए, नेतागिरी करने नहीं आए। और इसका एक सबूत आपको बताऊं मैं आपको, हमारे बीच में भी मुझे दिखाई दे रहे थे, कहां गए राजेश भाई, बैठे हैं विधायक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, एक कुर्सी में किसी को खिसका के वहीं बाजू में बैठे हैं, दूसरी पार्टी का कोई विधायक होता तो या तो कहता जी मेरे को मंच पे जगह दो नहीं तो मैं नाराज होकर जा रहा हूं यहां से। ये आम आदमी पार्टी में ही है कि शराफत से देख के कि भाई यहाँ क्षेत्र के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो जिनको हम मानते हैं कि हमसे बड़े हैं, इनसे बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, इनसे बड़े हैं, वो सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहीं बैठ गए कुर्सी किसका के, ये अपेक्षा भी नहीं रखी कि कोई आदमी कुर्सी से हटे उसके बाद विधायक जी को कुर्सी मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुआ करना ऐसे ही रहे, भगवान से कभी हमारे लिए प्रार्थना करना तो यही करना कि ऐसे ही रहे ये लड़के, ऐसे ही रहे ये लोग, अरविंद केजरीवाल जी की टीम ऐसी रहे। तो इसी के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं मैं आपके बीच में। एक चीज और कहूंगा कि देखिए
मैदान में तो बीजेपी वाले भी हैं। आप थोड़ा सा पता कर लेना, केजरीवाल जी जब जब कोई काम करते हैं, इस वक्त दिल्ली में बीजेपी के 8 विधायक हैं। अब वो बेचारे बड़े लेवल पे तो कुछ कर नहीं पाते, वो भी चाहते हैं कि भाई जिस इलाके से विधायक चुने गए थोड़ा बहुत काम वहां करा दें, लेकिन उनकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का अपने एक एक विधायक को निर्देश है कि केजरीवाल का कोई काम होने मत देना अपने इलाके में, अगर हो गया तो लोग केजरीवाल के मुरीद हो जाएंगे। इसलिए आप बीजेपी की किसी भी विधानसभा में चले जाओ, मैं स्कूल बनाना चाहता हूं बीजेपी वालों की विधानसभा में जहां बीजेपी के विधायक हैं, वो स्कूल नहीं बनने देते। केजरीवाल जी और मैं कहते हैं जी स्कूल बनाएंगे, वो स्कूल नहीं बनने देते। हम कहते हैं अस्पताल ठीक कराएंगे, वो अस्पताल करने में हाय हाय करने आ जाते हैं बीच में करने। कहीं पे हम सड़क ठीक कराने जाते हैं वहां लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग, वहां पे अपने किसी आदमी से कह के झूठी कंप्लेंट दिलवा दीजिए, ये तो यहाँ पेड़ कट रहे हैं जी, ये पेड़ नहीं कटने दे रहे, सड़क सुंदर हो जाती है विकास मार्ग, अपने आप ड्रामा करते हैं। बीजेपी का अपने विधायकों को निर्देश है कि किसी भी विधानसभा में बीजेपी वाली में केजरीवाल को काम मत करने देना, केजरीवाल को वो मत करने देना। यही यहाँ पे इनकी तैयारी है कि किसी तरह से राजेंद्र नगर विधानसभा को जीत के बीजेपी वाले, बीजेपी के ऊपर से निर्देश आएगा कि भैया काम नहीं होने देना, यहाँ पे काम होने देना है तो केवल और केवल दुर्गेश को चुनना पड़ेगा, उसके अलावा काम का कोई तरीका नहीं। केजरीवाल जी का विधायक, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार, तभी काम होंगे। और आगे आज राजेंद्र नगर विधानसभा में 2015 में जब काम करना शुरू किया था सरकार ने, सबसे पहले जो दिल्ली के सबसे शानदार स्कूल बनाने शुरू किए थे 54 स्कूल, उसमें से 2 आपकी राजेंद्र नगर विधानसभा में थे, आज शानदार स्कूल बन के खड़े हुए। सारी दुनिया में आपने सुना होगा, अभी एजुकेशन की बात कर रहे थे, मॉन्टेसरी एजुकेशन सबसे शानदार मानी जाती है छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरी दिल्ली। मैं तो पटपड़गंज से विधायक हूं, पर फिर भी क्योंकि राजेंद्र नगर से स्कूलों की शुरुआत की थी, मॉन्टेसरी लैब बनाने की शुरुआत भी राजेंद्र नगर से की है। राजेंद्र नगर वार्ड से जाके देखो, ऐसा मॉन्टेसरी स्कूल बनाया है, मॉन्टेसरी क्लास का ऐसा मॉडल बना के खड़ा किया है कि प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। और आज राजेंद्र नगर के उस मॉन्टेसरी जैसे 100 स्कूल और बनवा रहा हूं पूरी दिल्ली में। तो पहला काम राजेंद्र नगर में किया, ये इसलिए कर पाया क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी के विधायक थे। यही बीजेपी वाले की विधानसभा होती तो मैं कहता मैं स्कूल बनवा रहा हूं, वो कहता हाय हाय नहीं बनाने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते मैं पानी की लाइन डलवा रहा हूं, वो कहता हाय हाय नहीं पानी की लाइन डालने देंगे। हम कहते जी यहाँ अच्छे पौधे लगवा रहे सड़क सुंदर हो जाएगी, वो कहते हाय हाय नहीं करवाने देंगे। हर जगह जहां जहां बीजेपी वालों के विधायक हैं कोई काम नहीं करने देते। अब बेचारा विधायक जो वहां से चुना गया बीजेपी का, उसको तो लोग कहते हैं, वो भी कहता है जी क्या करें, हमारे ऊपर की पार्टी का निर्देश है। देखो जी सरकार तो ऐसी है, सरकार तो आपकी काम कर रही है पर क्या करें, हमें तो रोकना ही पड़ेगा क्योंकि पार्टी का निर्देश है। तो इनके झांसे में लोग ना आ जाए, 7 दिन 8 दिन हमें यही चिंता है, बस यही संभाल के रखना है। बाकी दुर्गेश भाई जीत रहे हैं, आप सबका प्यार, बहुत प्यार मोहब्बत इतना मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है हर जगह से हमारे छोटे भाई को, अरविंद केजरीवाल जी के सबसे प्रिय साथियों में से एक, जिन पे अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हम सब बहुत भरोसा करते हैं। पिछले लगभग कितने साल से, 12 साल हो गए, 12 साल से अरविंद केजरीवाल जी का मेरा भरोसा दुर्गेश ने जीत रखा है, आपका भरोसा भी लायक जीतने लायक यही आदमी है। मैं आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि 23 तारीख को यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो तो वोट दबाएंगे ही दबाएंगे झाड़ू पे, अपने अपने परिवार का तो दबाएंगे ही दबाएंगे, लेकिन आस पड़ोस आजू बाजू सबको 23 तारीख तक एक एक बार करवा लो तैयार कि भैया देख काम तो यही करवाएगा। बीजेपी वाला आएगा तो काम रुकवाएगा केजरीवाल के, और ये आ गया तो केजरीवाल के काम भी 10 गुना स्पीड से कराएगा, 100 गुना स्पीड से कराएगा। तो मैं आपके बीच में यही आपके बीच विनती लेके आया था, आप सबका प्यार इसी तरह से बना रहे। हम सब खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, अच्छे अस्पताल बनवा रहे हैं, अब तो मार्केट को डेवलप करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के एक एक मार्केट को ऐसा चमका देंगे, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जी बैठे हैं। धीरे धीरे केजरीवाल जी ने जैसे मुझे 2015 में कहा था दिल्ली का एक एक स्कूल चमकना चाहिए, पिछले साल उन्होंने मुझको कहा है कि दिल्ली का एक एक मार्केट चमका देना, ऐसे चमका देना जैसे विदेशों के मार्केट होते हैं। अब शुरुआत हो गई है,
इस साल से 5 मार्केट की शुरुआत हुई है, अगले 4-5 साल में दिल्ली के एक एक मार्केट को ऐसे चमका देंगे जैसे विदेशों के मार्केट चमकते हैं। एक एक दुकान पे ग्राहक आते हुए खुशी महसूस करेगा, धक्के नहीं खाएगा इधर उधर। तो ये सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बस रोकने वाला विधायक मत चुनना, काम आगे बढ़ाने वाला विधायक चुनना, काम को बहुत आगे बढ़ाने वाला विधायक चुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।